इस गवाही से मेरा विश्वास है कि जितने लोग इस गवाही को सुनेंगे, बोलो क्या है, जितने लोग इस गवाही को सुनेंगे उनके जीवन में परमेश्वर बड़ी गवाहियां बनाएगा, बड़ी गवाहियां, आमीन, बोलो क्या है, बड़ी गवाहियां बनाएगा। तो जितने भी ऑनलाइन है, इस गवाही को हम अलग से काट कर डालेंगे ताकि लोगों को समझ आए परमेश्वर के काम करने का जो तरीका है वो क्या है, कैसे परमेश्वर हील करता है, कैसे चंगा करता है, कैसे ब्लेस करता है। तो परमेश्वर का काम करने का एक तरीका, उसने इसीलिए कहा ना बल से ना शक्ति से, मेरा काम मेरी आत्मा से होगा। क्या होगा? तो पहले सबसे हम पहले इस गवाही को सुनते हैं। ये क्या गवाही है? हाँ बताओ। हालेलुया। तो इस सिस्टर का नाम रिम्पी है और जमनेश्वर वाला गांव के रहने वाले हैं, और इनके जिस सिस्टर की और इनके बच्चों की गवाही जे बता रहे कि एक महीना हो गया था जिस सिस्टर को फीवर की प्रॉब्लम थी, बुखार की प्रॉब्लम थी, जिसके कारण इनके भी पूरे हाथ पांव के जॉइंट्स में, जोड़ों में इतनी दर्द थी, जे बता रहे कि जे चल फिर नहीं सकते थे, कोई घर का काम नहीं कर सकते थे, प्लस इनको तो फीवर था, सेम इनके बच्चों को भी यही प्रॉब्लम थी, जिसके कारण इनके बच्चे बहुत ही परेशान थे। और जो सिस्टर बता रहे कि 10 दिन तक तो जो सिस्टर को इतना फीवर था कि मेडिसिन भी खा रहे थे पर एक भी दिन इनको फर्क नहीं पड़ रहा था कि इनका फीवर उतर जाता, मेडिसिन खाने से भी नहीं उतर रहा था, पूरे 10 दिन इनको फीवर रहा। तो जिसके कारण इनका कुछ खाने पीने को मन नहीं करता था, घर का कोई काम नहीं कर सकते थे, और जिसके कारण जी बहुत परेशान हो चुके थे, और इनके बच्चों को भी कुछ भी खाना पीना पच नहीं रहा था, बहुत ही फीवर रहता था, मेडिसिन भी दे रहे थे अपने बच्चों को फिर भी बहुत प्रॉब्लम थी। और जो बता रही कि इनके बच्चों के भी घुटनों में, टांगों में इतनी दर्द थी, जब भी चल नहीं सकते थे, इनको भी चक्कर आते थे, फीवर रहता था, तो जिसके कारण जो परेशान हो चुके थे कि इनके बच्चे बहुत ज़्यादा, जो बता रहे कि छोटे तो बहुत ज़्यादा रोते थे कि इस प्रॉब्लम के कारण जो काफ़ी परेशान हो चुके थे। और जब बता रही कि जिसके कारण जैसे फिर जब बता रही कि जे इन्होंने मीटिंग में जैसे जैसे संडे की मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया और जो विश्वास कर रहे थे कि परमेश्वर हमें इस प्रॉब्लम से आज़ाद कर चुके, तो जब बता रहे कि फिर इन्होंने जैसे इन्होंने टीम के साथ बात की तो इनको बताया गया कि आप पर्सनल मंडे की मीटिंग को अटेंड करें, और फिर जब बता रहे कि जैसे इन्होंने संडे की पूरी मीटिंग को अटेंड किया और विश्वास से जे अपने घर गए, तो नेक्स्ट इन्होंने फिर मंडे की मीटिंग में जे पर्सनल परमेश्वर के दास के साथ जब इन्होंने मीटिंग की तो इनको परमेश्वर के दास ने टीच किया, क्योंकि परमेश्वर के दास भी इस बात को जानते थे, क्योंकि जे हर संडे की मीटिंग तो जैसे संडे की मीटिंग अटेंड तो करते थे, पर जैसे कि हफ्ते की एक मीटिंग अटेंड कर ली, फिर दो हफ्ते मिस कर दे, फिर नेक्स्ट एक हफ्ते की मीटिंग अटेंड कर ली, ऐसे जे प्रॉपर हर संडे की मीटिंग अटेंड नहीं करते थे, तो प्लस अगर जे अटेंड करते भी थे तो बहुत ही लेट मीटिंग में पहुँचते थे। और जैसे फिर परमेश्वर के दास ने इनको टीच किया कि आप परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलें और हर एक नियम को पूरा करें, और आज से आपने अपने मन को फिराना है और परमेश्वर के साथ वादा करना है, और इनका इनको भी अंगीकार कराया गया, और इनके और जब बता रहे कि जैसे इन्होंने परमेश्वर के साथ वादा किया और अपना मन फिराया, कि विश्वास करते कि जैसे ही आज से हम हर संडे की मीटिंग को भी अटेंड करेंगे, क्योंकि जो सिस्टर काम पर जाते तो जिसके कारण जो मीटिंग में लेट पहुंचते थे, और फिर जैसे इन्होंने प्रार्थना की तो जो बता रहे कि जी अभी इन्होंने विश्वास किया कि अभी मैं हर मीटिंग में समय से पहुंचूंगी, क्योंकि जैसे वचन में भी लिखा है कि जब हम समय से आते तो हम परमेश्वर को पहला स्थान और परमेश्वर को आदर देते। तो जैसे इन्होंने अपना मन फिराया तो जो बता रहे कि उसी दिन ही परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ, जो कि इनका 10 दिन से फीवर नहीं उतर रहा था, इनसे चलना फिरा नहीं जाता था, जब बता रहे कि रास्ते में जाते जाते इनका फीवर, इनके बच्चों का भी फीवर उतर गया, और एक दो दिन में ही परमेश्वर ने जो इनके जोड़ों में बहुत ही पेन थी, बहुत दर्द थी, काम नहीं कर सकते थे, और जब बता रहे कि परमेश्वर ने उस दिन से इनको पूरी तरह से आजाद कर दिया, फिर इन्होंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, पूरी तरह से परमेश्वर ने इनको फ्री कर दिया, आजाद कर दिया, और आज इनके बच्चे और जो सिस्टर पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से आजाद हो चुके। हम सब जोर से अपने हाथों को उठाएंगे, इस गवाही के लिए तारीफ करेंगे।
इतने लोगों को इस गुवाही से भी समझ आई है कि परमेश्वर आज्ञाओं का परमेश्वर, नियमों का परमेश्वर है कि नहीं है। आज्ञाओं को तोड़ेंगे, नियम से बाहर चलेंगे तो फंसेंगे। बोलो, जो जो लोग कहते हैं ना टाइम नहीं, बोलो क्या है? टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, काम है, ये है, वो है, टाइम नहीं। इनको पूछो कितने दिन तक ये बुखार रहा, कितने दिन तक ये बुखार रहा? जय मसीह की। पापा जी 10 दिन ते मैनू रहा, बच्चा नु ज्यादा दिन रहा। हां 10 दिन मैनू रहा, बच्चा नु ज्यादा दिन रहा सी। बच्चियां नु ज्यादा दिन, 10 दिन आपको रहा? हां जी। फिर जब बुखार था तो फिर आप घर में रहते थे? हां जी पापा जी। कितने दिन घर में रहे? मैं 15 दिन घर रही, मतलब बेड ते। देख लो, जो इंसान, ये वही है जो एक संगति करते थे तो दो दो मीटिंग्स को मिस कर देते थे काम की वजह कारण। बोलो क्या है? काम की वजह कारण एक मीटिंग अटेंड की और दो दो मीटिंग को मिस कर दिया। बोलो, दो मीटिंग को मिस कर दिया, छोड़ दिया, फिर काम में। बोलो क्या है? और काम की वजह के कारण जब भी आते थे तो लेट आते थे। बोलो क्या? 11:30, 12:15, 12:15। जितने लोग ऐसे, जो लोग आप ऐसे करते हैं वो इस बात को अच्छे से समझ जाओ। अगर आपके पास बुद्धि है, आप खुदा से कुछ चाहते हो तो समझ जाओ परमेश्वर क्या चाहता है, कैसे वो हील करता, कैसे ब्लेस करता है। कितनों को समझ आ रही है? अब वो इंसान जो काम को इतनी अहमियत दे रहा है, काम ही उसका सब कुछ है, आप 15 दिनों के बेड पे, बोलो क्या है? 15 दिनों के बच्चे, उससे भी ज्यादा दिन। कितनों को समझ आ रही है? तो समझना पड़ेगा कि परमेश्वर आज्ञाओं का और नियमों का परमेश्वर है। समझ आ रही है? मेरे हिसाब से अगर हम ये बात सीख रहे हैं तो मैं विश्वास करता हूं आप जो लोग भी मीटिंग्स को मिस करते हैं, जब लेट आते हैं वो आज से नहीं आएंगे। जो ऐसे करते हैं, मैं विश्वास करता हूं वो नहीं ऐसा करेंगे। मैं विश्वास करता हूं, मैंने कहा वो ऐसा नहीं करेंगे, पक्का है? क्योंकि परमेश्वर इस गवाही से आपको बड़ा ब्लेस करने वाला है, बहुत ब्लेस करने वाला है, आपके रुके हुए कामों को खोलने वाला है। सच्ची, जो आज तक नहीं हुए वो होने वाले सारे काम, जो सालों से नहीं हुए मैंने कहा होने वाले। तैयार हो परमेश्वर के नियमों को, आज्ञाओं को मानने के लिए, उसका आदर करने के लिए, टाइम से खुदा के घर में आने के लिए? हाँ, हर हफ्ते आकर किसके साथ अपने जीवन को गुजारना है? वो सच्चा परमेश्वर। इसलिए कहा वो इंसान नहीं है जो कहा वो ना करे और अपना वचन देख कर बताए। समझ आ रही मेरी बात? अब तो नहीं ना ये करोगे? नहीं पापा जी। पक्का है? हाँ जी। सुनो, जब ये संडे आए और मंडे जब पर्सनल मीटिंग में मुझे मिले, इनका चेहरा इतना सा, बच्चों का भी बुरा हाल, जैसे पता नहीं 6 महीने के कोई बीमार लेकर बैठा दिया है, 6 महीने के कोई बीमार ऐसे लग रहा था। और ये बुरी हालत, क्योंकि खाना पीना भी छूट गया, बच्चों को भी कुछ बच नहीं रहा, मेडिसिन कोई काम नहीं कर रही, बुरा हाल। और ये रो रहे थे उस दिन, रो। और फिर मैंने फिर कोई प्रेयर नहीं की। बोलो, मैंने कोई प्रार्थना नहीं की। मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने कोई प्रेयर नहीं की, जस्ट जो जीसस ने कहा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मैंने मन फिराओ बस कहा ही नहीं। वादा करो परमेश्वर से कि आइंदा ये गलती नहीं करोगे। आज वादा करो, क्या करो? वादा करो परमेश्वर से कि आइंदा ये गलती नहीं हम करेंगे। बोलो क्या? आइंदा ये गलती नहीं करेंगे। और जैसे मन फिराया, वादा किया परमेश्वर, आज से तेरे घर लेट नहीं आएंगे। हाँ, अब मिस नहीं करेंगे, संगतियों को मिस नहीं करेंगे,
एक आ गई तो दो संडे पता नहीं कहाँ है, अब लगातार आएंगे, रेगुलर आएंगे और टाइम से आएंगे। और जैसे ही वादा किया, परमेश्वर का अनुग्रह आया। क्या आया? उस दिन से फिर मेडिसिन छोड़ दी। हाँ, शर्ती उसी दिन खुदा ने छू लिया, उसी दिन बल दे दिया, खाना पीना सब कुछ अच्छा हो गया, सारा बुखार, वो सारी जो जॉइंट में दर्द थी सब कुछ चला गया। हाँ जी बाबा जी, सब कुछ जा रही है। हाँ जा रही है, भूख लग लगी बाद च बुखार दे कारण 10 दिन कुछ खाता नहीं। वो 10 दिन कुछ खाता नहीं, फिर ज्यादा हो गया, अनुग्रह ज्यादा आ गया। तारीफ करो इस गवाही के लिए कि सच में वो हमारा परमेश्वर महान है, सामर्थी है, और वो आज्ञाओं का और नियमों का परमेश्वर। तोड़ोगे फंसोगे, इसलिए क्यों मूसा को कहा, इसराइलियों को बोल, बाड़ा तोड़ोगे तो मरोगे, तो बाड़ा नहीं तोड़ना। बोलो बाड़ा, ठीक है, अब ये गलती नहीं करना। ये जीवन है तो सब कुछ है, ये जीवन नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है, ओके। दोनों हाथों को उठाकर इस बड़े काम के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए, सब सब आप भी अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, जोर से इस बड़े काम के लिए। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, खुदावन तेरा छू लेना, नाचते हुए खड़े होकर खुदा की तारीफ करो।